खाना, फूड, सापाड, ऊटा, भोजन, सारू भोजन, जीवन, इस सब ना खाने के बारे में जब सोचते हैं तो मजा आता है। खाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? पौष्टिक खाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हम लोगों का जिंदगी बदल जाएगा ना अगर खाना अच्छा नहीं है तो। सोचो, जब हम अपने फिश के लिए हम प्यार से लेके आते हैं एंड जब उनके लिए खाना लेने का मौका आता है तो पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, सस्ता दो, सस्ता खाना दो। क्यों? उनको कोई राइट नहीं है अच्छा खाना खाने का? खाना हर एक जीव के लिए पौष्टिक होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज सी, अगर कुदरती लिया जाए और एक इलाके में या एक जगह में, ठीक है, एक शेर है और उसके लिए खाना कुछ नहीं, तो वो इलाका छोड़ के जा सकता है, या अगर वो जा नहीं पाता है तो वो गिव अप कर देता है कि बस इतना ही जिंदगी मेरा। एक्वेरियम में वही होता है, ये फिश इस इलाके को छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर आप सस्ता लोकल बिना पौष्टिकता का खाना खिलाएंगे तो वो गिव अप कर जाएंगे ना कि भाई छोड़ो ना यार, जी के मतलब क्या है, खाना ही नहीं मिल रहा। बिकॉज एक जीव या कोई जानवर के जिंदगी का सबसे बड़ा दो मकसद होता है खाना एंड रिप्रोडक्शन। अगर खाना अच्छा नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला, जिंदगी खत्म। आज हम क्वालिटी खाना प्लांटेड एक्वेरियम के लिए एंड हाई क्वालिटी खाना विथ हेल्थ बेनिफिट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अपने फिश को फीड करेंगे, क्यों खाना अच्छा होना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड अच्छे का मतलब क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्या जो आप सस्ता खाना खरीदते हो मार्केट से, चाइनीज वाला काफी सारे मिलते हैं, कलर कलर पैकेट में मिलते हैं, ये अच्छा है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? एज हॉबीस्ट कैसे पता चलेगा? ठीक है, बिकॉज जो भी लिखते हैं करेक्ट ही होगा ना, तो ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये तीनों चीज या चारों चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे एंड आप मजा लोगे। नाउ ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड हो सकता है कि किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है बिकॉज इंडिया में कोई प्लांटेड एक्वेरियम का खाना है ही नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दो नीचे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, एंड आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगा, तो फटाफट लाइक बजाओ। ओके, लाइक करो। ये फूड आपको फिश ओनली एक्वेरियम्स में काम कैसे करेगा देखना है ना, ठीक है, देखते रहो। नाउ आप में से जिन जिन लोगों को लगता है कि एक एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियो होने वाला है, आप सही भी हो, बट इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है जो आप मिस आउट कर जाओगे अगर आपने पूरा नहीं देखा, तो देखना पूरा, ठीक है, जजमेंटल मत बनो, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं है। यहां पे कन्वीनियंस के लिए मैं अपना ही फूड लाइफ आयु का यूज कर रहा हूं और ये इसलिए भी बिकॉज ये इंडिया का पहला प्लांटेड एक्वेरियम फूड है, ये इंडिया का पहला फूड विथ हेल्थ बेनिफिट्स एंड गुड हेल्थ बेनिफिट्स, नेचुरल हेल्थ बेनिफिट्स, तो दिखाना पड़ेगा ना यार, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हम आंसर करेंगे,
कि खाना पौष्टिक क्यों होना चाहिए। सी हर एक जीव के लिए, फिश हो या कोई भी जीव हो, अलग अलग टाइप के फिश के लिए भी अलग अलग जरूरतें हैं खाने का। शेर घास नहीं खा सकता, उसको लगता है भेड़ बकरी। अभी शेर को कंपेयर करेंगे तो हमारे यहां है टाइगर बाब, टेट्रास, टेट्रास, यस। आपको बता दूं, एक बहुत फेमस टेट्रा है जो सिर्फ नॉनवेज खाता है, मीट खाता है, पिराना। पिराना टेट्रा फैमिली का है। तो एक छोटा सा नियॉन टेट्रा को भी वही गुण है, ठीक है। तो उनको पौष्टिक या हाई प्रोटीन खाना लगता है, उतना क्वांटिटी में नहीं लगता है, बट थोड़ा तो लगता है, ओके। सिमिलरली अगर आप गप्पीज लो तो वो गाय भैंस जैसा, मतलब यू नो नॉट अग्रेसिव स्पीशीज, मैं वो कंपैरिजन ले रहा हूं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट अलग होता है। बेटास, ओके, वो नेचुरली कुदरती ज्यादातर इंसेक्ट्स ही खाते हैं, हाई प्रोटीन खाना ही खाते हैं, बट प्रोटीन पचता नहीं है उनको, तो उनका खाना थोड़ा अलग होना चाहिए। सो हर एक फिश का रिक्वायरमेंट अलग होने की वजह से प्लांटेड एक्वेरियम के फिश जो हम प्लांटेड एक्वेरियम में रख सकते हैं, इनका रिक्वायरमेंट उनका पौष्टिक का और प्लांटेड एक्वेरियम का हेल्थ के नजरिए से भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप अपना सस्ता फूड चाइनीज फूड डालें और फिश ने नहीं खाया तो वो नीचे जाके सेटल होने वाला है, फॉस्फेट बढ़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा और आपके टैंक में एल्गे आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहां पे हमें हाई प्रोटीन खाना चाहिए जो फिश फटाफट खा ले या ढूंढ के खा ले, या जब नीचे गिरता है श्रिंप उसे ढूंढ के खा ले, लेकिन खाना बचना नहीं चाहिए। इसलिए स्मॉल क्वांटिटीज में देना चाहिए एंड मल्टीपल टाइम्स भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, बट अगर स्मॉल क्वांटिटी देते हैं तो वही स्मॉल क्वांटिटी से फिश को पूरा पौष्टिकता मिलना चाहिए। यह होता है प्लांटेड एक्वेरियम का फूड। मैंने पहली बार एडीए का फूड देखा था प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, बट अफोर्डेबल नहीं है, ओके। 70 ग्राम्स 1400 रुपए कुछ है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्यों, मैं समझाता हूं। सो जब हम लोग बना रहे थे ट्रॉपिकल ट्रीट्स लाइफ आयु का, प्लांटेड एक्वेरियम का सोच रख के बना रहे थे, तो हमने एडीए का भी चेक किया कि क्या है उसमें, पौष्टिकता कितना है, क्या उन्होंने लिखा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, और हमने यहां पे उसी तरीके का फूड बनाना चाहा और हमने कोशिश भी किया। नाउ लकीली वी वर सक्सेसफुल बिकॉज इंग्रेडिएंट्स हमें सिमिलर मिला, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मिले, ओके। प्रोसेसेस, मेकिंग सब हैंडमेड है, मशीन मेड नहीं है, तो हमारे कंट्रोल में है, ओके। येट ये एडीए से एक चौथाई कम रेट में, कम दाम में मिलता है, बिकॉज हम या जब इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रेट, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब निकल जाता है, और आपको वही क्वालिटी का खाना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वही क्वालिटी का खाना, ओके, आपको इंडिया में इंडियन मेड आपको मिल रहा है। सो प्लांटेड एक्वेरियम में, सी प्लांटेड एक्वेरियम तकाशी अमानो साहब ने एक आइडिया से, एक कॉन्सेप्ट से बनाया। तो जब वो फूड डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बस फूड ऐसा होना चाहिए जो हाई प्रोटीन हो और फटाफट फिश खा ले, ताकि वेस्टेज ना हो, फिश पूप कम हो। एग्जाम्पल, फूड में अगर प्रोटीन ज्यादा है तो बॉडी उसे अब्सॉर्ब करता है एंड वेस्टेज बहुत कम निकलता है। नाउ अगर फूड में मैदा, आटा, ये सब चीजें ज्यादा है तो वो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करता, बिकॉज उनके लिए जरूरत नहीं है बॉडी को, वो बाहर निकाल देता है। नाउ वो फिश पूप ज्यादा हुआ तो प्लांटेड एक्वेरियम में एल्गे का इश्यू, ओके। ये फूड आपको
फिश ओनली एक्वेरियम्स में काम कैसे करेगा, देखना है ना, ठीक है, देखते रहो। तो प्लांटेड एक्वेरियम में ऐसा फूड हमें दो बार खिलाने से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, सुबह में एक टाइम, शाम को एक टाइम, ज्यादा खिलाने का जरूरत नहीं है। नाउ मैं इन सब फिश को खिला के दिखाऊंगा, बिकॉज ये भूखे हैं, अभी खिलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे फटाफट खा लेता है, एंड कैसे हम इसके साथ न्यूट्रो प्लस खिलाने से और भी फायदा होता है फिश के लिए, फिश हेल्थ के लिए, ये भी हम देखेंगे। नाउ ट्रॉपिकल ट्रीट्स में चश्मा चाहिए मुझे, है ना, एक सेकेंड। ट्रॉपिकल ट्रीट्स में, ठीक है, 52% प्रोटीन है, ठीक है, 10% मॉइस्चर, 0.7% फैट। दिस इज गुड फैट बिकॉज हमें फिश को मोटा नहीं करना है, हेल्थी करना है, मसल बिल्ड करना है, तो थोड़ा बहुत फैट होना जरूरी भी है, फाइबर होना जरूरी है बिकॉज पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, तो फाइबर भी है, एश भी है, ओके? ये सब बेसिक आपको पीछे पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है, डाइजेशन फ्रेंडली फूड है, मतलब इजिली पचता है, ठीक है, अगर पेट में रह गया तो प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इश्यूज होगा, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स में, चलो इंग्रेडिएंट से पहले, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, हैंडमेड है, काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, ओके, एंड क्लिनिकली प्रूवन कंटेंट, बिकॉज ये अगर इंग्रेडिएंट काम करेगा या नहीं करेगा ये तो समझना है ना, सो ये क्लिनिकली प्रूवन होता है। नाउ यहां पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है फिश मील, ओके, जो एंचोवीज, एक फिश आता है पतला सा सिल्वर कलर का फिश आता है, उसमें ओमेगा 3 ज्यादा रहता है, विच इज वेरी हेल्थी फॉर एनीबॉडी, हमारे लिए भी बहुत हेल्थी है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ओके। श्रिंप मील, ओके, गुड क्वालिटी श्रिंप मील फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो नेचुरल डाइट बनता है इनका, छोटे छोटे श्रिंप्स खाते हैं ना फिश भी, ओके। प्लस इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वीट एक्सट्रैक्ट, ओके, प्रोटीन आइसोलेट, ओके, फिश ऑयल, पूरे अंडे, होल एग्स, ओके, विटामिन ई सप्लीमेंट, विटामिन B12, विटामिन ए, ओके, एंड विटामिन सी प्रॉपर्टीज, ओके, कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एंड ऑफ कोर्स जो परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स है वो भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीजें मैं अभी बताता हूं आपको, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके, पैप्रिका, ल्यूटिन जो एस्पेरागस एक्सट्रैक्ट है, पैप्रिका, रेड कैप्सिकम जो आता है, ठीक है, शिमला मिर्च लाल वाला, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये सब फायदेमंद क्यों है बताता हूं। स्पिरुलिना, रेड सीवीड, गार्लिक, गार्लिक एक्सट्रैक्ट एंड मोरिंगा। नाउ ये क्यों चाहिए फिश के लिए, क्यों, ऐसा क्या है, हमने सोचा चलो अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्ड्स है डाल देते हैं, कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता। सी, आपको सोचना है कि कुदरती क्या होता है, एक नदी का पानी जहां से वो शुरू होता है ना, एक छोटे से वो उपजता है जमीन से, अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है, फिर वो बहता है, छोटा स्ट्रीम बहता है, बहता है, बहता है, वो जंगल से पत्थरों के बीच में, यू नो, जड़ी बूटियों के बीच में बह बह के वो सब उसका जो अंश है, प्रॉपर्टीज है, वो लेके आगे चलता है एंड नदी में आता है। एंड ये जो फिश है, ओके, जब नदी में ये ऐसा पानी आता है, प्योर ब्यूटीफुल वाटर आता है, तो फिश हेल्थ के लिए बेनिफिट हो जाता है, एंड ये सब प्रॉपर्टीज वो पानी में रहता है। एग्जैक्टली यही नहीं, और भी होंगे, ठीक है, कुदरत बहुत अमेजिंग है ना, छोटे से छोटा चीज एक जीव के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो हमें चाहिए ये सब इंग्रेडिएंट्स, मोरिंगा जैसे ड्रमस्टिक का लीव्स, ठीक है, कहते हैं कि अगर एक ग्लास पी लो तो पतला हो जाएंगे, बट बहुत कड़वा रहता है, ठीक है, तो मैंने ट्राई कभी नहीं किया, बट मोरिंगा इज वेरी वेरी हेल्थी, ड्रमस्टिक, मोरिंगे का वो जो पत्ते का सब्जी बनता है, अमेजिंगली हेल्थी।
ल्यूटिन एस्पराइगस करके एक इंग्लिश वेजिटेबल है जिसका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो शरीर को अंदर से ताकत देता है. ओके, मोरिंगा एंड ल्यूटिन अंदर से इंफ्लेमेशन, कोई तकलीफ हो अंदर, अल्सर वल्सर हो, कोई प्रॉब्लम हो फिश को, तो अंदर से हील करता है. गार्लिक आप सब जानते हैं, बहुत ही हेल्थी वेजिटेबल है, हमारे सब खाने में जाता है, ठीक है, इंटरनल पैरासाइट निकालता है, फिश को जनरली हेल्थी बनाता है, ठीक है, अगर खाना नहीं खा रहा है खाना पचाता है. ओके, एंड ऑफ कोर्स और क्या था इसमें, स्पिरुलिना. ओके, पैप्रिका, रेड पैप्रिका क्या है, थोड़ा कलर देता है, नेचुरल एनहेंसर है कलर का, थोड़ा वो जो रेडिश जो यूजुअली टेट्रास में या बार्ब्स में आता है, टेल फिन या डॉर्सल फिन में, वो बेटर कराता है, बहुत सुंदर लगने लगता है फिश. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज स्पिरुलिना, सीवीड. ये जो रेड सीवीड है ना, बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है, समुद्र में मिलता है, एक्चुअली एक एल्गे है. ओके, जब इसको ड्राई करके हम यूज करते हैं फूड में, तो फिश के लिए बहुत ही पौष्टिक एंड बहुत ही हेल्पफुल एक इंग्रेडिएंट बन जाता है, जिससे फिश नेचुरली हेल्थी बनता है, उसका इम्यूनिटी बिल्ड होता है, इम्यूनिटी बूस्टर जो कहते हैं. नाउ ये एक्चुअली ये जो मैंने चीजें समझाया ना, ये हर एक फिश के लिए है, सिर्फ प्लांटेड एक्वेरियम फिश के लिए नहीं. ट्रॉपिकल ट्रीट्स आप रेगुलरली प्लांटेड एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ फिश ओनली एक्वेरियम्स में, जैसे गोल्डफिश रखा आपने, सिक्लिड्स रखा आपने, कोई और फिश रखा, उसमें प्लांट्स वगैरह नहीं है, कम्युनिटी टैंक्स रखा, जैसे अभी ये ग्लो टेट्रास आ रहे हैं, बहुत सारे फिशेज आ रहे हैं, डैनियोज है, गप्पीज है, मॉलीज है, यू नो, ये सब जितने भी स्मॉल एंड मीडियम साइज, रेनबोज या गोस्ट फिश, इतने सारे फिश, इन सब के लिए ट्रॉपिकल ट्रीट अगर आप यूज करें ऑन वीकली 2-3 times, हफ्ते में 2-3 times एज ए ट्रीट, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, उनका अंदर से हेल्थ बढ़ेगा, मसल बिल्ड होगा, हेल्थी रहेंगे. सो ये ऑलमोस्ट 90% सब फिश के लिए हेल्पफुल प्रोडक्ट है, हेल्पफुल खाना है. नल्ल सापाड़ा इरुक्कु, सारू भोजन छे, सांगला जेवना है. ओके, तुम्बाने ओल्ले ऊटा मीन गागी, अब और भाषा मुझे आते नहीं है, बट अच्छा खाना है. खाना जब आप खरीदते हो, अपने लिए खरीदते हो, तो क्या सस्ता देखते हो, क्वालिटी देखते हो कि सस्ता देखते हो? जितना हमारा बजट है उतने में हम खरीदते हैं. ऐसे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, तो आप इसको 6-8 महीना यूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना फिश है. अगर आप फिश ओनली यूज करते हो और हफ्ते में 2-3 times यूज करते हो, तो आराम से 6-8 महीना चलेगा. अगर आप प्लांटेड टैंक में यूज करते हो, तो 2 महीना चलेगा ही, आराम से 2-3 महीना ही चलेगा. सोचो आपने फिश फूड खरीदा 100 रुपए में, सस्ता है, एक चम्मच डालते हो, 1 महीने में खत्म होता है. आपने इसको खरीदा डबल में, सोच लो, ठीक है, बट आपको एक 1/3 एक चम्मच में 3 parts डिवाइड करके डालो, तो वो 3 महीना चल गया. एक्चुअली आपको सेविंग हो गया, बचत हो गया, महंगा नहीं है, राइट? तो वो सोच समझ के लो, हमेशा पीछे पढ़ो इसमें बेनिफिट्स क्या है, फिर आप डिसाइड करो. सो आज आपने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, पौष्टिक खाना फिश के लिए क्यों जरूरी है, प्लांटेड टैंक में फिश फूड यूनिक क्यों होता है और क्यों होना चाहिए. एक ही फूड आप प्लांटेड टैंक में भी यूज कर सकते हो, एंड आपके नॉर्मल कम्युनिटी टैंक्स में कोई भी फिश के लिए भी यूज कर सकते हो एज ए ट्रीट, बिकॉज वो बहुत पौष्टिक है, हेल्थी है, एंड उसमें ऐसे गुण हैं जो फिश का हेल्थ बढ़ाएगा, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा. यस, एंड जनरली हमने समझा फिश फूड
अलग अलग होता है अलग फिश के लिए एंड उनका रिक्वायरमेंट्स अलग होता है एंड हमें उसको समझना है, हमें समझना है कि वो फिश का रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसके हिसाब से खाना देना है। ऐसे ही कुछ भी फालतू नहीं खिला सकते, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिला, ठीक है। अगेन जिन लोगों को लगता है मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, एक्चुअली नहीं किया। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो ले सकते हो, अगर नहीं तो मत लो। बट ये बात समझो कि हमें पौष्टिक खाना खिलाना है, जो आपके मन में है, आपके बजट में है, आपके मर्जी है, आप वो खाना खिलाना, ठीक है। ओके, सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। मैं आप सबको पहले से थैंक यू बोलना चाहता हूं जो भी ये ट्रॉपिकल ट्रीट्स या लाइफ आयु का फूड खरीदता है। थैंक यू मेरे तरफ से नहीं, थैंक यू वो जितने लोग हैं हमारे फैक्ट्री में जो काम करते हैं, बिकॉज आपका हर एक पैकेट जो आप खरीदते हो, हमारे इंडियन लोग, लेबर, इंडियन वर्कर्स, उनका फैमिली के लिए जाता है, उनको अच्छे सैलरीज मिलते हैं, उनको नौकरी मिलता है, उनका फैमिली उसमें बढ़ता है। तो आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत मजेदार वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप जुड़े रहो, बने रहो, लाइक बजाते रहो। ओके, चलो बाय। Thank you.